कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से पूछताछ कर सकता है। इस मामले में आधिकारिक तौर पर बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में राहुल गांधी से जून 2022 में भी पूछताछ की थी। तब ईडी ने करीब 4 दौर की राहुल गांधी के साथ पूछताछ की थी। ईडी ने राहुल गांधी से 40 से ज्यादा सवाल पूछे थे। ईडी इस मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। गौरतलब है, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईडी के कुछ सीनियर अधिकारियों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया है कि कांग्रेस नेता से फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरी करना चाहती है। गौरतलब है, ईडी राहुल गांधी से एंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में भी पूछताछ कर चुकी है। इस कंपनी में सोनिया गांधी भी हिस्सेदार है। इसी मामले में जुलाई 2022 में 3 दिनों में करीब 11 घंटे तक सोनिया गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय अपराध जांच एजेंसी सोनिया गांधी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार कर रही है या नहीं। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने दावा किया था कि संसद के हाल ही में संपन्न सत्र में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उन पर छापा मारने की योजना बना रही है। तब राहुल गांधी ने कहा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी का बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का इस पूरे मामले पर कहना है कि मैंने हमेशा एजेल मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है, जहां कभी कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जहां अपराध की आय तो दूर धन का कोई आवागमन नहीं हो सकता और न ही हो सकता है, जहां अंतिम शेयरधारक एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह न तो धन के आवागमन का न ही संपत्ति के आवागमन का एक अजीब मामला है, और इसीलिए पीएमएलए कानून अपने आप में अनुपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करने या कॉफी पर बुलाना चाहता है तो यह उनकी इच्छा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कुल 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की पहचान की है। इसमें 755 करोड़ रुपए की रियल इस्टेट और अन्य संपत्तियां, 90 करोड़ रुपए के शेयर और 2010-11 से अर्जित 142 करोड़ रुपए का किराया शामिल है। ईडी ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में YI की ओर से कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद से एजेल ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पंचकुला, लखनऊ और पटना में अपनी प्रमुख संपत्तियों से यह किराया कमाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।